इसमें लाइक यू नो व्हेन इवन इफ यू टॉक अबाउट द लाइक रेगुलर जॉब्स विच वी से के अच्छा मेन स्ट्रीम पकड़ लिया, मेन स्ट्रीम डिग्री ली, जॉब ले लिया, अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट आई एम नॉट हेटिंग द जॉब. लाइक सपोज इफ आई एम वर्किंग एज एन एनालिस्ट इन अ फर्म, आई एम नॉट हेटिंग दैट जॉब, बट द मोनोटोनी किक्स इन के यार मुझे रोज ऑफिस जाना एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग. सो लाइक आई डोंट नो हाउ मच यू विल रिलेट टू दिस, बिकॉज इन टीचिंग ओके द सिलेबस इज द सेम बट वी आर स्टिल टीचिंग इट टू डिफरेंट बैचेस एवरी ईयर. Yes. सो आई थिंक दैट रूटीन ब्रेक्स अ बिट. But when it comes to like your desk jobs, wherein year by year you are doing the same work, the monotony hits in, and you don't hate the job essentially. It's just that thing that's happening. So how do you recover from that? How do you come out of that? See, that is where the recreational activities are very important. Earlier stages, company were not realizing this, but now the companies also have realized this. The MNC also have realized it. They give you forced holiday. ठीक है, आपको भेज देंगे, आपको कुछ पूछेंगे ही नहीं, आपको एक हॉलिडे पे भेज देंगे. क्यों ऐसा है? बिकॉज विथ अ सर्टन टाइम ऑफ मोनोटोनस वर्किंग अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रस्ट्रेट और ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड. द रीजन बीइंग एवरी डे इट्स द सेम मेन्यू. ठीक है, यू डोंट गेट समथिंग एल्स. ठीक है, सो टू गेट समथिंग एल्स यू नीड टू हैव प्रॉपर हॉलीडेज. ठीक है, आपको संडे का हॉलिडे क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जो मोनोटोनस था ना पूरा वीक, उससे आपको एक ब्रेक मिले. ठीक है, कुछ कुछ एमएनसीज में सैटरडे संडे बोथ आर हॉलीडेज. सो उसमें भी वही चीज है कि क्यों हॉलिडे दिया है, क्योंकि जो मोनोटोनस आप कर रहे हो उससे आप थोड़ा सा ब्रेक लो, तो मंडे आप वापस स्टार्ट फ्रेश हो जाते हो. लेकिन प्रॉब्लम विथ अस इज के वी डोंट एंजॉय दोज 2 डेज. ठीक है, यू गो टू वेस्ट दे एंजॉय देयर डेज. ठीक है, वहां पे उनका जो सैटरडे संडे का प्लान होता है ना, वो बहुत हैवी होता है एंड दे रिक्रिएट देयर सेल्फ वेरी नाइसली. ठीक है, यस, द व्हेन आई सी दिस देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ देयर इकोलॉजिकल सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, वहां पे आपको वो बर्डन नहीं होता है कि आपको सेविंग्स रखने हैं, मेडिकल के लिए अलग से सेव करना है, आपके एक्सपेंशन के लिए अलग से सेव करना है, फ्यूचर किड्स के लिए अलग से सेव करना है. ये सारे जो बर्डन्स है ना इंडियन पेरेंट्स के ऊपर या फिर एक नॉर्मल पर्सन हु इज अर्निंग. ठीक है, एवरी स्टेज ऑफ अवर लाइफ वी विल बी रीचिंग टू अ स्टेज ऑफ अवर पेरेंट्स. ठीक है, कि उनके ऊपर क्या है कि बच्ची या बच्चे की शादी का खर्चा आएगा, उसकी पढ़ाई का खर्चा आएगा, कॉलेज का खर्चा आएगा, ट्यूशन फी का खर्चा आएगा. इन द वेस्ट यू डोंट सी दैट ट्रेंड. दे डोंट सेव फॉर एनीथिंग. ठीक है, बिकॉज मेडिकल इज फ्री इफ दे आर हैविंग प्रॉपर इंश्योरेंस विद दैट. ठीक है, साइड पे ले लोगों. उसके बाद उनके किड्स को वो सिर्फ 18 तक ही प्रोटेक्ट करते हैं. आफ्टर 18 it's his life, it's his burden, he will earn and he will pay. That's their motto. ठीक है, so हमारे वहां पे हम सैटरडे संडे को क्यों एंजॉय नहीं करते? क्योंकि एंजॉयमेंट में पैसे लगते हैं. ठीक है, हमारा मैक्सिमम एंजॉयमेंट होता है कि हम एक काम करेंगे, फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, अगर गुजरात में है तो फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करके टाइम पास करके बाहर खत्म कर देंगे, घूमने जाएंगे ज्यादा से ज्यादा. वडोदरा डज नॉट हैव दैट प्लेसेस टू रोम अराउंड. ज्यादा से ज्यादा पावागढ़, ज्यादा से ज्यादा सिंध रोड. ठीक है, दैट इज वेयर, और मॉल्स, एक आध मूवी देख लिया, दैट इज अवर रिक्रिएशन. दैट्स नॉट इट. ठीक है, वो भी एक रूटीन में आ जाएगा आपके. ठीक है, कि सैटरडे क्या करना है, तो सैटरडे ये हमारा प्रोग्राम है, इसके साथ प्रोग्राम है. ओके, एवरी सैटरडे यू विल हैव द सेम प्रोग्राम, एवरी संडे यू विल गो एंड वॉच अ मूवी. दैट इज आल्सो अ मोनोटोनस साइकिल. वी डोंट हैव दैट डिफरेंट क्रिएशनल थिंकिंग ओनली. ठीक है, क्योंकि हमें वो सेविंग का जो कीड़ा है ना वो निकलने नहीं देता बाहर. ठीक है, सो दैट इज वेयर द थिंग्स आर वर्किंग. तो उड़ाने का तो होता ही नहीं है हमारे वहां पे. ठीक है, जो भी एसेंशियल खर्चे हैं वो करके हम वापस आ जाएंगे. एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम मंडे टू अगेन फ्राइडे और सैटरडे वो मोनोटोनस ही आ जाएगा वापस, क्योंकि सैटरडे संडे भी आपने वो एंजॉय किया ही नहीं है. ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ ऑल्सो यू कैन से दैट कि फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इफ यू आर स्टडिंग रिगरसली, तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, ट्रस्ट, जो लोग पढ़ रहे हैं ना वो लोग संडे को भी पढ़ेंगे.
फिर एक स्टेज के बाद उनको या तो हम बुकवॉर्म्स कह देंगे या तो दे स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ, बिकॉज उनके जब एंजॉयमेंट किया पढ़ाई विद एंजॉयमेंट का बैलेंसिंग एक्ट था वो भी उन्होंने नहीं किया, उसके बाद जब उनका जॉब और एंटरटेनमेंट का जब टाइम आया वो भी वो लोग नहीं कर रहे, तो एक टाइम के बाद वो लोग फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं एंड द पॉइंट वेयर द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, ठीक है, इज नॉट बिकॉज के दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज के इंडियन एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो समवेयर गिल्टी इन दिस, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट माई एम्प्लॉयर्स, हाँ ठीक है, दे आर वर्ल्ड्स बेस्ट, क्योंकि उनके बाद मतलब मेरे पे वर्क टाइमिंग नहीं है, आई हैव नो टाइम, ट्रस्ट मी, ठीक है, बट टिपिकल एमएनसी के कोई भी आप बॉस या फिर आपके हेड की बात करेंगे ना आप, तो उनको ऐसा होता है कि कैसे इसको मैं परेशान करूं, ठीक है, इंडियन सोसाइटीज आर वेरी मच और इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर इज प्रेटी मच वर्किंग विद के हम एम्प्लॉय को कैसे परेशान करें, क्योंकि ठीक है, रिप्लेसेबल फॉर इजी एन, है। यस, इट इज वेरी इजी, वी आर हैविंग इन अबंडेंस ना, एंड द एम्प्लॉयज अंडर द प्रेशर ऑफ नॉट क्विटिंग द जॉब बिकॉज ही डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, ठीक है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर वेरी हाई टूडे, ठीक है, सो वो भी बेचारा कुछ कर नहीं सकता, जैसे फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉयर के पास टाइम मतलब काम आया 10 बजे लेकिन वो देंगे आपको 4 बजे क्योंकि आपका 6 बजे घर जाने का टाइम है, ठीक है, सो दिस आर वेरी पेटी थिंग्स विच एम्प्लॉयज गेट फ्रस्ट्रेटेड टू, ठीक है, There is this, like not cutting you in between, but there is this, like I know this person who works in a very renowned firm, like dream firm for chartered accountants, इतना कह सकते हैं। And they have a norm which he told me के you have a this thing, you have working hours 9 AM to 7 PM, but 9 PM को वहाँ पे free dinner serve किया जाता है, which is if you want, take it. If not, not. To eat that dinner at 9 PM, you have to stay there till 9 PM. और तुम बैठोगे तो काम करोगे, and that is like डिनर के कॉस्ट में तुमको 2 घंटे का फ्री लेबर मिल गया। काम करवा दिया, हाँ, यस so things like यस, that दैट इज देयर आल्सो, इट इज देयर, दिस स्ट्रेटजी इज इन गवर्नमेंट कंपनीज आल्सो, गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा होता है पहले या फिर आई डोंट नो अबाउट द पोस्ट 2014 सिनेरियो, प्री 2014 तो ये होता था बिकॉज आई एम बीइंग विद दैट नोशन के न्यूज़पेपर में ये सब आ जाता है, तो गवर्नमेंट जो पीएमओ है ना, इफ यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो वहां पे अगर आप ओवर टाइम करते हो ना तो 5 स्टार से आपका डिनर आता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज वेर इन वी स्टे से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो लोग क्या करते थे कि पूरा दिन कोई काम नहीं करने का, ओवर टाइम करने का, क्यों, क्योंकि वो 5 स्टार से चाहिए आपको रिवर्स इंजीनियर। डिनर, ठीक है, बट आई हैव हर्ड दैट पोस्ट 2014 मोदी सर के देर विल नो देर वोंट बी एनी डिनर, अगर आपको ओवर टाइम करना है ठीक है, आपकी फैमिली को बोल देना कि टिफिन आके दे दे, सो दैट इज व्हाट दे हैव सेड, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज हैपनिंग और नॉट, बट दिस इज व्हाट आई हैव रेड इन वन आर्टिकल, बट दिस इज ऑल्सो देयर के एम्प्लॉयज आर ऑल्सो टेकिंग दिस बेनिफिट, नॉट वर्किंग द एंटायर डे एंड जस्ट शोइंग दैट ओके वी आर डूइंग ओवर टाइम सो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, बट प्राइवेट में मुश्किल होता है ना, वो भी एक टाइम को गवर्नमेंट तुम कर भी लो, बट हाँ प्राइवेट में मुश्किल होता है क्योंकि प्राइवेट में कॉन्स्टेंटली देर इज वन हेड वॉचिंग यू, दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट, सो या ठीक है, इट्स इजी ओवर देयर, डिफिकल्ट ओवर हियर,